पाँच छ सात दो सौ पुशअप मारता हूँ जिम का टाइम खत्म फटाफट से गाड़िया साफ करने चल अरे सर रुको ना बस पुशअप्स होने वाले अरे क्या यार इतने टाइम थे बॉडी तो बन नहीं रही बस पेट निकले जा रहा सारा कलवा उठ जल्दी चलो बहुत सारी गाड़िया साफ करनी आज तो हाँ हा, चल रहे चल रहे कब तक जेल में रहेंगे? अरे सिंचन टेंशन मतलब सिर्फ दस साल की जेल है दस साल में निकल जाऊंगा अरे बढ़िया ना पंद्रह साल का बाहर निकलेगा मुझे जाने चलो जाते। ए, क्या बोल हो अरे हम बोल रहे की गाड़ी को ढंग ऐसी साफ करेंगे हाँ जल्दी आ जाओ ये सारी गाड़िया बड़ा बड़े साफ करना शुरू करो हमारे बॉस आते होंगे हाँ ठीक है ठीक है तो कहे सर हमें पुलिस की गाड़ियाँ साफ करनी पड़ेगी कोई भाग ना पाए मैं, मैं आज hey तुमको बहुत डंडे पड़ने वाले अरे मैंने क्या किया अरे मुझे क्या बताओ उन्होंने बुलाया चलो मेरे साथ अरे यार मैंने क्या किया मुझे क्यों मारेंगे अरे चिंतन कुछ कांड कर दिया क्या मैंने तो कुछ नहीं किया अरे यार क्या हो गया अरे क्यों बुला रहे अरे जल्दी चलो जल्दी चलो अरे हाँ चल रहे हैं सर मैं फ्रैंकलिन और सिंचैन को ले आया बहुत बढ़िया चलो साइड में खड़े हो जाओ ओके सर आओ फ्रैंकलिन तुम्हारा इंतजार था हेलो हेलो मैंने क्या किया मेरे को डंडे मारे डंडे कौन डंडे मारे तुम्हें हम तो तुम्हें खुशखबरी दे खुशखबरी कौन सी खुशखबरी बच्चे हमें पता चल चुका है तो हाँ, जेल से छोड़ रहे हमने तब आजाद किया क्या सही में अरे सर इन पुलिस वाले तो मुझे छोड़ दे जेल से अरे सर, मैं तो मजे हो गए अरे सर, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा इनको आखिरकार पता चल गया कि मैंने कुछ नहीं किया था वैसे तो मैंने ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करी थी पर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या हो गया चलो फटाफट से यहां से निकलते उससे पहले ये डिसीजन चेंज करें फटाफट से यहां से भाग जाते करेंगे क्या बात तो सही पहले तो हम चोरिया करते थे इसलिए हमारे बहुत सारे पैसे देते अब तुम्हारे पैसे भी नहीं है तीन मेरे पास कपड़े अब हम करेंगे क्या वेकि तो आज इंजन कुछ तो करना पड़ेगा रुक मुझे कुछ सोचने दे अरे भैया भैया मेरी बात सुनना आपके पास कुछ काम है करने के लिए मैं कुछ भी काम कर दूंगा हा, हा, मुझे काम दे दो तो मैं कर लूंगा अरे मैं, मुझे काम चाहिए मुझे मुझे भी काम चाहिए क्या तुम्हें भी काम चाहिए हाँ मेरे पास भी कोई काम नहीं है आज और साथ में काम मांगते अब चाहिए ऐसे अरे किसको मेरे पकड़ा है ये भी खुद भी काम मांग रहे हैं किससे पूछे एरी भी नने को पूछते हैं पागल है क्या और अंकल अंकल आपके पास कुछ काम है ये करने के लिए एरी भी तो शक्ल से लग रहे। बात तो सही है इसके पास तो कुछ काम नहीं, नहीं वाला अरे कायजर क्या करूँ कहाँ पे ढूंढू काम एक सेकंड सामने बैंक है वहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं उधर जाके पूछता हूँ उससे पहले ये अंकल बैठे बहुत अमीर लग रहे अंकल आपके पास कुछ काम है क्या मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ बेटा मेरी चप्पल

बेचते हो आ जाओ आ जाओ बेटे ये मेरा ही डॉक है यहाँ पे बहुत सारी बोट्स यॉट और भी बहुत सारी चीजें खड़ी रहती है ये सारी की सारी मेरी है मुझे कहीं का काम से जाना है तो तुम्हारे जैसा आदमी मुझे चाहिए था जिसके भरोसेमंद दो और उसके बदले को उठा ले के लेके बदलाइंगा मुझे मत लेके जाओ अरे बच्चे टेंशन मत लो इधर आस मेरे बंदे घूमते अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो सीधा गोली मार देंगे चलो मैं जा रहा हूँ काम से अगर कोई कस्टमर आए तो उसको बोट ढंग से दिखाना और सारे के सारे पैसे ले लेना और बाद में आओकी मेरे को दे देना

चुरा लेते अरे पागल बिजनेस करना है बिजनेस करेगा सारी की सारी बोट चुरा के बेच देते बहुत सारे पैसे मिलेंगे बात तो सही है नहीं नहीं, नहीं अभी अभी जेल से मैं आया हूँ। मुझे वापस जेल नहीं जाना मुझे पिंक कलर की बोट चाहिए

पिंक कलर से बच्चे अरे हाँ पिंक कलर से बच्चे ओनली फिफ्टी मिलियन डॉलर क्या ये तो बहुत सस्ते अभी ले लेती हूँ मैं मुझे ये वाली बोट चाहिए अरे हमने तो वाली बोट देखी थी ना नहीं मुझे ये वाली बोट चाहिए तुम तो वाली वाली बोट लो अरे शिंचन क्या करा तुमने लड़ाई क्यों करा दी एनी वे की मेरे अरे सुनो भाई साहब दोनों बोट पैक कर दो क्या दोनों मोर दे दो हाँ दोनों मोर दे दो अच्छा ठीक है दे देता तो, हूँ वो फिफ्टी मिलियन डॉलर ये फिफ्टी मिलियन डॉलर टोटल हंड्रेड मिलियन डॉलर ओके ओके अभी तुम्हें बैंक ट्रांसफर करता देखो सिक्स थ्री सेवन फोर एट नाइन एट एट ओके ओके कर देता हूँ सौ मिलियन डॉलर ट्रांसफर हाँ कर दो तो, कर दो सर सौ मिलियन आ चुके हैं सर आप जाइए मैं आपके घर में डिलीवर करा दूंगा आपका एड्रेस मेरे पास है ओके, ओके मैं चलता चलो हम चलते हैं हाँ, चलो चलो मुझे तो मेरी फेवरेट बोट मिल गई तो कहा सर अभी चीन और मैंने मिल के हंड्रेड मिलियन डॉलर की यार बेचती है। वैसे वो दस मिलियन की थी पर हमने पचास पचास मिलियन बोल के सौ मिलियन डॉलर ले लिया यार पानी तो बहुत अच्छा है क्यों नहीं बोट ली जाए ओ भाई, मुझे महंगी बोट चाहिए महंगी दुनिया की सबसे महंगी भी प्राइस चलेगा एक करोड़ मिलियन डॉलर सो करोड़ मिलियन डॉलर मुझे फर्क नहीं पड़ता जल्दी से दिखाओ हाँ आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे खड़ी सबसे महंगी बोट वो सबसे ज्यादा महंगी अरे चलो चलो मुझे दिखा दो चलो चलो मैं भी दिखाता हूँ चलो चलो। इसको भी पागल बनाते तो अंकल ये है इतनी खतरनाक बोर्ड इसके अंदर चार बेड है चार बाथरूम है चार रूम है चार 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 सब चीज चार चार है चार पंखे भी चार व्हील भी है अरे क्या बोट में व्हील होते हैं हाँ हाँ ये अलग तरह की बोट है ठीक है ठीक है मैं ये खरीदूंगा कैश में है? कैश में सर पाँच सौ मिलियन कैश कैसे दोगे क्या सिर्फ मिलियन अरे मतलब एक हजार मिलियन डॉलर देख दिए ये देखो मैं इतना सारा कैश आ पा चुका है भाई हमने सिर्फ यार दस मिलियन डॉलर की बोट को एक हजार मिलियन डॉलर में बेच दिया ये तो बहुत ही खजाना है रुको मेरे पास एक आइडिया है आधा पैसा इधर छोड़ के आधा

फोन है, इस तो वीडियो है। रुको, इस वीडियो को चला के देखता हूँ अंकल मेरा नाम है नाम तो अंकल तो, आपको जॉब करता था तो मैंने सारी, -सारी बोर्ड भेज है और बहुत सारे पैसे भी कमा लिए तो आधे पैसे मैं आधे पैसे आपके लिए पैसे सारे -सारे आप रख लेना फुल मजे कर लेना और, और पैसे चाहिए तो मुझे फोन करना बिल्कुल मजबूत तो अंकल मैं में तब तक के लिए समझदार निकला इसने तो मेरी सारी की सारी बेच दी इतने सारे मुझे पैसे मिल गए ओए मेरा तो मसा हो गया फ्रैंकलिन जियो जियो अरे अंकल जल्दी देख लो सबसे महंगी गाड़ी कौन सी फटाफट पड़ से बता दो तो। अरे भैया रुको रुको देख रहा हूँ देख रहा हूँ अरे जल्दी करो अरे भैया रुको रुको आज तक किसी ने सबसे महंगी वाली गाड़ी नहीं करी थी इससे देखना पड़ेगा आ, कौन सी है कौन सी है अरे अंकल तो बहुत ही देर लगा रहे एक काम करो अंकल सारी की सारी दे दो तो।

तो कहा सर अभी हमने यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां खरीद लिए फोर्टी मिलियन डॉलर में सबसे फेवरेट कलर है हाँ हाँ बैठ जा बैठ जा तो कहा से, से, जाने वाले हमारे नए नए घर की तरफ क्या आपको याद है जब यार वीडियो शुरुआ की शुरुआत तो हुई थी तब यार हम बिल्कुल जेल में थे और अभी इतना सारा पैसा हो चुका है हमने नया नया घर खरीद लिया चलो फटाफट चलते नए घर की तरफ तो कहे सर ये हमारा नया नया मास्क घर फटाफट से कमेंट करके बताओ ये हमारा नया नया घर कैसा लग रहा है जो ये पहाड़ों के बीचों बीच है पीछे हेलीकॉप्टर है स्विमिंग पूल है बाइक